नमस्कार, मैं पवन कुमार आज फिर से क्रिएटिव गुजरात में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं उन लोगों के लिए एक बेहतर क्विक डिश बनाऊंगा जो हेल्थ हो। उन लोगों का मतलब है जो हेल्थ कॉन्शियस हो, जैसे हमारे जिम में जाने वाले युवा हैं, जैसे हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास समय नहीं होता है कि नाश्ता बनाए। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कम में ज़्यादा आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा और आज आपको बना के खिलाऊंगा सैंडविच, ब्लैक पेपर सैंडविच विथ। आज मैं बीटरूट सैंडविच बनाऊंगा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, मैंने आपको बताया था। उसके लिए मैंने कद्दूकस किया बीटरूट को, प्याज मैंने बारीक कटा, ये मेरी मिर्च आदि लहसुन के पेस्ट है, टमाटर है, धनिया धनिया तो मैं गार्निशिंग करने के लिए पहले आई। देखिए मैंने कढ़ाई में तेल रखा है, सरसों तेल, हल्का तेल, एक चम्मच ही तेल डालना है। उसके बाद प्याज उसमें आराम से डाल दीजिए, डायरेक्ट प्याज, कोई जीरा नहीं, कोई लहसुन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट प्याज डालिए और उस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसमें मैं थोड़ी अटखेलिया करूंगा, थोड़ी अटखेलिया क्या करूंगा, मैं हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन थोड़ा सा गरम मसाला, एक चीट तो चलता है ना, थोड़ा गरम मसाला डालूंगा टेस्ट के लिए, बस हल्का गरम मसाला, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये ब्लैक पेपर है तो ब्लैक पेपर जाएगा। ब्लैक पेपर में तो कोई बुराई होती नहीं है, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बस प्याज जब भुन रहा है तभी आप ब्लैक पेपर डालें। बस ब्लैक पेपर के साथ देखिएगा, ब्लैक पेपर पेपर की खुशबू आएगी, जैसे ही प्याज आपका भुनने लगेगा और प्याज के साथ ब्लैक पेपर भी भुनेगा तो उसकी खुशबू आने लगेगी। और प्याज को थोड़ा ही ब्राउन करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन। अब ब्लैक पेपर की हल्की हल्की खुशबू आ रही है मुझे, हल्की हल्की ब्लैक पेपर की खुशबू आ रही है मुझे, इसलिए मैं अब डालूंगा टमाटर। और जब मैं टमाटर डालता हूँ तो मैं डालता हूँ नमक, लेकिन यहाँ नहीं डालूंगा नमक। यहाँ मैं डालूंगा काली मिर्च, यहाँ मैं डालूंगा मैं ब्लैक सॉल्ट, हेल्थ कॉन्शियस है नहीं तो ब्लैक सॉल्ट डालना पड़ेगा, ब्लैक सॉल्ट मैंने डाला ताकि टमाटर गल जाए। इसमें कोई मसाला नहीं डालना है अब, क्योंकि हम फ्रेश सैंडविच का फीलिंग तैयार कर रहे हैं। फीलिंग में अगर मसाले ज़्यादा होंगे तो फिर वो हेल्थ कॉन्शियस पास रह गया। हेल्दी हेल्दी खाना, हेल्दी हमारे यंग जनरेशन के लिए हेल्दी। और आप सोच रहे हो मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, भैया हेल्दी बोलते बोलते मुझे अपना फिगर याद आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा चीट तो करूंगा। एक सैंडविच तो मैं बनाऊंगा चीज ब्रोस्ट सैंडविच, चीज ब्रोस्ट बीटरूट सैंडविच, और बाकी सैंडविच हेल्दी सैंडविच होंगे जो आप सबके लिए, आप सब ट्राई करना। चीज ब्रोस्ट भी ट्राई करना, चीज ब्रोस्ट का थोड़ा सा एक चीट है, दूसरे तरीके से बनाऊंगा मैं, वो आप जरूर देखना, वो मैं आखिरी में बताऊंगा। अभी मैं देखिए मेरा टमाटर धीरे धीरे गल गया है, और कुछ कुछ टमाटर के जो कलियाँ हैं वो नहीं गले हैं, तो उसको बस हल्के हाथों से दबा देना है, हल्का हल्का प्रेस कर दो तो वो भी गल जाता है। अब मैं इसमें डालूंगा बीटरूट, बीटरूट जो इस फीलिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बीटरूट, और वो ये है, इसे भी मैं पकने दूंगा 2 मिनट तक। 2 मिनट में मेरा टमाटर गल गया, 2 मिनट में मेरा बीटरूट गल जाएगा। पहले मिला तो लूँ सारे बीटरूट एक साथ,
इसको बस याद रखिए, इसको फ्राई नहीं करना, इसको सेलो फ्राई करना, रोस्ट करना, बस ये रोस्ट हो और कुछ नहीं हो। क्योंकि मैंने ऑयल डाला इसलिए मैं रोस्ट शब्द का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, रोस्ट शब्द नहीं रिस्ट्रिक्टेड है, रोस्ट शब्द आप ऑयल डाल दिए तो वो रोस्टिंग नहीं, वो सेलो फ्राई है। मैंने ऑयल डाल दिया इसलिए अब मैं इसे नहीं कह सकता कि मैं रोस्ट कर रहा हूँ, मैं बस सेलो फ्राई कर रहा हूँ। सेलो फ्राई हो जाए, बिना ऑयल के अगर आप बनाओगे वो भी बना सकते हो, वो ज़्यादा हेल्दी है, वो ज़्यादा हेल्दी है। और बिना ऑयल के बनाओगे तो उसे रोस्ट करना कहते हैं, तो थोड़ी देर ही रोस्ट करना, 2-3 मिनट रोस्ट करना। अब मैं सेलो फ्राई कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा 5 मिनट तक करूँगा और इसे थोड़ी देर ढक के छोड़ दूंगा। तब तक हम, जब तक ये मेरी फीलिंग तैयार होती है तब तक मैं सैंडविच का प्रिपरेशन करता हूँ। स्प्रेड करूंगा मेयोनीज, आप चाहें तो इसमें बटर लगा सकते हैं, मैं मेयोनीज लगा रहा हूँ क्योंकि बटर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं मेयोनीज लगाता हूँ। मैंने कुछ सैंडविच तैयार कर रखे हैं पहले से, ये मैं, मुझे आपको दिखाना है कि कैसे लगाते हैं, क्योंकि भाई मेरे घर में और भी लोग हैं, मैं अकेले खुद के लिए अकेले बनाता होता तो आपके सामने बनाता सारा, ये और भी लोग हैं वो बोलेंगे भाई मेरे में नहीं बनाया, अकेले अकेले बना के खा लिया। नहीं भाई, परिवार है, फैमिली है, शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर करो और केयर उसी। चला देखा जाए अपनी ग्रेवी हुई या नहीं, मतलब फिलिंग हुई कि नहीं, सॉरी फॉर ग्रेवी, ये फिलिंग है, ग्रेवी नहीं, ये अब हो गई। सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है, मैं करूंगा गैस बंद और स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा चिटी। बेहतरीन फीलिंग है, मजा आने वाला है आज तो मजा। गैस बंद करूंगा और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ूंगा, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं वो जो अपनी वाली सैंडविच बोल रहा था जो मेरे हेल्थ कॉन्शियस का है वो सैंडविच, अभी उसकी प्रिपरेशन करता हूँ, चीज ब्रश सैंडविच। चलिए उसका निज़ाम तैयार करना पड़ेगा मैरिनेशन, और आप सभी जानते हैं कि मैरिनेशन के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मैदा यूज करता हूँ। मेरी मैदा किधर, किधर सब पानी ले लेना है और कुछ नहीं, आधे ग्लास से भी कम पानी, क्योंकि ये सैंडविच मैं इसे संतुष्ट करने के लिए बना रहा हूँ। ये आपके लिए नहीं है, हमारे सिर्फ मेरे लिए, अगर आपके घर में कोई मेरी तरह हेल्दी है तो आप उसके लिए बना सकते हैं, जो फूडी है, सॉरी फॉर से कमेंटिंग, फूडी है जो, उसके लिए आप बना सकते हैं। और ये थोड़ा क्रंची बनेगा, मजा आएगा। इसमें हम सफेद नमक डालेंगे, याद रखिए हल्का नमक डालना क्योंकि हमारे फिलिंग में भी नमक है, फिलिंग्स में नमक है, इसमें बहुत ही थोड़ा नमक और इसका बैटर, अंग्रेजी बोल गया ना, लिजाम तैयार करता हूँ। याद है ज़्यादा पतला नहीं निज़ाम बनाना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि इसे मैं सैंडविच पे के ऊपर फैलाने वाला हूँ। और अगर सैंडविच को करना है क्रंची तो है मेरा सूजी, जिसे आप रवा भी कहते हैं, हल्का रवा डालिए। और कुछ सूजी मैं अपने साथ रख लूंगा एक प्लेट में,
बस थोड़ा सा क्रिस्पी कर रहा है, क्रिस्पी करने के लिए मैं सैंडविच को थोड़ा क्रिस्पी करूंगा। यही हल्का सा चिट था जो मैंने की। मेरी फीलिंग पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब मैं सैंडविच के ऊपर फीलिंग इवनली स्प्रेड करूंगा, और इसे हाथ से ही स्प्रेड करना है, क्योंकि अगर आप इसे चम्मच या फिर किसी और चीज़ से स्प्रेड करते हो तो आपका ब्रेड जाएगा टूट, बनाने जाओगे सैंडविच बन जाएगा ब्रेड का हलवा। ब्रेड से याद है, ये ब्राउन ब्रेड है, पूरी तरीके से हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस है। लेकिन फिर भी मैं डालूंगा आपको एक चीज के स्लाइस। ये अमूल चीज है, इसमें ज्यादा फैट होता नहीं है। अमूल की एक चीज की स्लाइस में ब्रेड पे डाल दिया। अब ये मेरा ब्रेड गया, तवा गर्म हो चुका है, तवे पे मैं सैंडविच को थोड़ा सा आंच तेज कर दूं, तब तक मैं दूसरी फिलिंग तैयार करता हूँ। एक चीज वाला मैंने दिखाया और एक आपको मैं बगैर चीज वाला सैंडविच बनाता हूँ, वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस कम है और ये पूरी तरह से हेल्दी है। ये बगैर चीज वाला, वो मैंने वो बच्चों के लिए डाला, क्योंकि अगर ये सैंडविच बच्चों को खिलाओगे तो बच्चे तो नाक से कूड़ेंगे और आपसे करेंगे दुश्मनी, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट के लिए चीज डाल दो, क्योंकि बच्चों को तो चीज काफी पसंद है। और याद रहे सिर्फ अमूल का चीज डालो, क्योंकि उसमें फैट होता है। 2 मिनट बाद मुझे सैंडविच को पलटना है, वरना सैंडविच नीचे से जाएगा जल। थैंक गॉड मेरी सैंडविच जली नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें तो चीज जो है फैलता जा रहा है, यानी चीज भी अंदर से गलना शुरू हो चुका है। ये चीज ब्रस्ट है, सैंडविच है, इसको खाने में बहुत मजा आएगा बच्चों को। बड़ों वालों के लिए मैंने ये बनाया है, इसमें फिलिंग्स में कोई चीज नहीं है, सिंपल फिलिंग से देख लो आप। मेरी फिलिंग जो मैंने बनाया था सैंडविच वाली, वो फिलिंग है। ये उनके लिए है जो जिम जाते हैं, शॉर्टकट बनेगा। ब्राउन ब्रेड है, प्रोटीन है, विटामिन है बीटरूट में, ब्लड के लिए अच्छा है, आपका खून भी बनेगा, और खून बनेगा तभी तो खून चूसेगा कोई, वरना खून रहेगा ही नहीं शरीर में तो चूसेगा इंसान का। ये हेल्दी सैंडविच गया इस पे, हेल्दी सैंडविच और एक चीज वाली सैंडविच मैंने आपको बना के दिखा दी। और एक मैं दिखाऊंगा वो सैंडविच, चीज ब्रस्ट वाली सैंडविच, क्रिस्पी वाली सैंडविच। वो वीडियो के आखिरी तक रहना, वो लास्ट में, क्योंकि वो मेरे पैलेट के लिए है, वो भी दिखाऊंगा। आपके घर में कोई मेहमान आए तो हेल्दी प्लस क्रिस्पी प्लस थोड़ी सी टेस्टफुल वाली सैंडविच भी बना सकते हो। ये सैंडविच आप रोज बनाओ, ये सैंडविच बच्चों को दो, चीज वाली सैंडविच बच्चों को दो, टेस्टी है। मैं इसको आपको इजीली काट के दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ये कैसी बनी है। मैंने कहा था ना आखिरी में मैं सिखाऊंगा आपको क्रिस्पी वाली सैंडविच, क्रिस्पी सैंडविच जो आप मेहमानों को खिला सकते हैं, वो हेल्दी वाली तो मैंने दिखा दिया। क्रिस्पी वाली के लिए भी प्रिपरेशन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा एक हल्का सा छोटा सा चीट है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं बैटर तैयार करूंगा, सूजी रहेगा ताकि थोड़ा क्रिस्पी, थोड़ा मजेदार सैंडविच बने। चीज
चीज़ स्लाइस ऐसे, इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस, उसके बाद मेरा दूसरा कवरिंग, और ये जाएगा अपने तालाब में। चारों तरफ से इवनली लगा लेना है। उसके बाद थोड़े हाथ में भगो गंदे कर लेता हूँ। उसके बाद ये जाएगा सूजी के स्क्रम्बल, सूजी की तरह की जगह आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो सूजी इसलिए बताया कि ब्रेड क्रम जल्दी घरों में अवेलेबल नहीं होता है। अगर अवेलेबल है ब्रेड क्रम तो बेटर है कि आप ब्रेड क्रम यूज़ करें सूजी की जगह। दोनों ही क्रिस्पीनेस लाता है पनीर सैंडविच के अंदर। सूजी क्या करेगा, इनको बिल्कुल अच्छे से चिपका देगा दोनों ब्रेड को, और ये एक तरह का सैंडविच कम ब्रेड पकौड़ा भी कह सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल चिपक गया, ये गया यहाँ दूसरा। अब मैं क्रिस्पी वाले सैंडविच बनाने के लिए थोड़ा सा तेल गरम तवे में, डाल के पैन को, नॉन स्टिकी फ्राई पैन है, थोड़ा सा तेल इसमें डाल दीजिए ताकि वो बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तेल चारों तरफ फैला देना तवे पे, थोड़ी सी आंच धीमी, तेल से धुआं निकल रहा है और मेरी क्रिस्पी पनीर क्रिस्पी चीज सैंडविच गई। सैलो फ्राई किया और इसको तुरंत पलट दिया। देख रहे सूजी का क्रंचीनेस आ रहा है धीरे धीरे पूरे सैंडविच में। हालांकि ये भी काफी हेल्दी सैंडविच है और रिच भी है, सूजी है, मैदा है, क्रिस्पीनेस तो भाई साहब अपने लेवल का है क्रिस्पीनेस।
तीरंदाजी करना पड़ेगा। वो हो रहा है, सब ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये आपका चीज़ ब्रश सैंडविच तैयार है।